इसको बोलते हैं फिनाले। शो बनाओ तो ऐसा बनाओ, वरना मत बनाओ। एगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 8 और 9 ने खत्म किया एक परफेक्ट एंडिंग के साथ। कैसे? अरे भैया, ये जानने के लिए स्पॉयलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉयलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है एगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 8 और 9 का ब्रेकडाउन वीडियो। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। जब से एलिस वू की मौत हुई, सबसे बड़ा सवाल था कि रियो कहाँ है, एज वो एपिसोड से गायब भी हो गई थी। रियो है लेडी डेथ, ये तो पिछले एपिसोड में कंफर्म हो गया था, इसलिए वो एलिस की मौत के बाद अपना काम कर रही थी, उसके स्पिरिट को पहुंचा रही थी डेथ डायमेंशन में, जो लेडी डेथ का डायमेंशन है, इसीलिए उसे बॉडीज चाहिए थे ताकि डेथ अपने पावर्स को और बढ़ा पाए। तो बेसिकली एगाथा की गर्लफ्रेंड थी डेथ, विच इज क्रीपी। एगाथास एक्स इज डेथ। जहां डेथ बिली को बुलाती है, ही इज एन अबोमिनेशन, क्योंकि बिली को वांडा ने अपने हेक्स में क्रिएट किया था, उसका नॉर्मल जन्म नहीं हुआ था। और फिर वांडा के हेक्स से हटने के बाद बिली ने एक मरे हुए विली कैपलिन के शरीर को ले लिया, जो सृष्टि के नियम के खिलाफ है। डेथ सीक्रेट बैलेंस के डिस्टर्ब होने की बात भी करती है। He is disrupting the sacred balance. जो obviously reference है sacred timeline के concept पर, जो हमने लोकी सीरीज में देखा था। इसी बातचीत के बाद यो विजिस रोड का पोर्टल फाड़ के निकल जाती है, बिल्कुल डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह, जहां क्लिया दीवार फाड़ के आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने के लिए। अब एलिस, लिलिया और मिस डेविस की मौत के बाद बचे हैं सिर्फ एगाथा, बिली और जेनिफर, जो फिर से वही पहुंच जाते हैं जहां से उनकी जर्नी शुरू हुई थी। सारे गवन के जूते हैं वहां पर, और उसके बाद सब अचानक पहुंच जाते हैं कमरे में, जो दिखता है प्रोफेसर एक्स के अड्डे की तरह, और इसी कमरे में होता है उनका नया ट्रायल। यही जेनिफर को रिवील होता है कि उसकी मैजिक को कई साल पहले एगाथा ने ही बाइंड किया था अनइंटेंशनली, और फाइनली जेनिफर अपने मैजिक को एगाथा के स्पेल से छुड़ा पाती है। इस सीन में दोनों कैथरीन हान और शशि जमाटा का एक्टिंग लाजवाब है। जेनिफर को मिल जाते हैं उसके पावर्स और वो हो जाती है वहां से गायब, एज उसकी चाहत हो जाती है पूरी, पावर्स रीइग्नाइट हो जाते हैं उसके बाद। एगाथा लग जाती है बिली के दिमाग से टॉमी की आत्मा को शरीर देने में, बिली वांडा विजन सीरीज में उसके पेरेंट्स के साथ, उसके भाई के साथ उसकी आखिरी पलों को याद करता है, जब वांडा विजन सीरीज के कुछ डायलॉग सुनाई देते हैं। Boys, thanks for choosing me to be your mom. Boys, thanks for choosing me to be your mom. जहाँ टॉमी की बात हुई, रियो ने इस सीन में क्लियर किया था कि टॉमी का अभी तक पुनर्जन्म नहीं हुआ है, शरीर नहीं मिला है उसको। बिली को आते हैं कुछ विजन एक यंग लड़के के, जिसे बुली किया जा रहा है, और कुछ और लड़कों के द्वारा पानी के अंदर डुबा के, जहाँ हो जाती है उसकी मौत, और उसके मरे हुए शरीर में बिली टॉमी की आत्मा को डाल देता है। एक्चुअली ये बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है। कॉमिक्स में टॉमी का जन्म हुआ था एज थॉमस शेपर्ड, इसके पेरेंट्स से डिवोर्स्ड और जुवेनाइल प्रिजन में काफी बार जा चुका था थॉमस। तो एक ट्रबल चाइल्डहुड था थॉमस का, जिस ओरिजिन को यहाँ भी फॉलो किया जा रहा है। टॉमी ने अब जन्म ले लिया है थॉमस शेपर्ड, और हाँ, अपने भाई की तरह टॉमी भी यंग एवेंजर है। तो यंग एवेंजर प्रोजेक्ट तो बन रहा है पक्का। एगाथा विच रोड से निकलती है अपने घर पे, जहाँ वो करती है डेथ का सामना। डेथ बिल्कुल इविल डेड मूवी की तरह एगाथा को बांध देती है, टॉर्चर करती है और उसे मारने ही जाती है। तभी बिली वहाँ आ जाता है फुल पावर मोड में, कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम के साथ, रेड स्कार्फ और ब्लू कॉस्ट्यूम, जो बिल्कुल वांडा स्कारलेट विच बनने की सीन की याद दिलाता है। इन सब में वेस्टव्यू के सिटीजन ये सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं फिर से नहीं। बिली अपने पावर्स के थ्रू एगाथा को वापस दे देता है उसके पावर्स, पर एगाथा सही टाइम पर रुक जाती है। एलिस वाला कांड नहीं होता बिली के साथ, थैंक गॉड। एगाथा वांडा विजन के क्लाइमेक्स वाले लुक में आ जाती है। दोनों कोशिश करते हैं डेथ को हराने की, पर डेथ को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। फाइनली ऐसा लगता है कि एगाथा ने बिली को दे दिया धोखा, पर अपने बेटे निकलस की याद दिलाने के बाद वो देती है डेथ को किस ऑफ डेथ, और अपने कई साल पुराने जीवन को कर देती है खत्म। एक कूल सीन में उसका बॉडी धीरे धीरे कंकाल बन जाता है और भस्म हो जाता है, और फिर देखता है उसका पर्पल कलर का ग्रेव, जो एगाथा के पावर का कलर भी है पर्पल। फाइनल मोमेंट्स बिल्कुल वांडा विजन के आखिरी सीन की तरह, जैसे वांडा को वेस्टव्यू के लोग देखते रहते हैं जब वांडा वहां से निकल रही थी, वैसे ही वेस्टव्यू के लोग अब बिली को देख रहे हैं। तो काइंड ऑफ सिंबलिज्म है वांडा और उसके बेटे के बीच। बिली पहुंच जाता है अपने रूम में, जहां फिर से कुछ ईस्टर एग्स देखते हैं। एक पोस्टर दिखता है 1975 हॉरर म्यूजिकल फिल्म द रॉकी हॉरर पिक्चर शो का, उसके बगल में है 1997 सीरीज बफी द वैम्पायर स्लेयर सीरीज का पोस्टर, उसके बगल में है टिमोथी पिडेट्स की पेंटिंग, जहां लिखा है हैक्सन विचक्राफ्ट थ्रू द एजेस। फाइनली बिली को रियलाइज होता है कि जो चीजें विचेस रोड पर थी वो सारी चीजें बिली के रूम में है। एपिसोड 3 में जो घर में उनका ट्रायल होता है, उसका पेंटिंग वहां पर है, विजर वॉस का पोस्टर, विजर वॉस के विश का खिलौना वहां पर है जो एगाथा बनी थी ट्रायल के दौरान, लॉर्ना वो का फोटो, इंडियन लूडो खलीसी, ओइजा बोर्ड जो एपिसोड 5 में था, सब कुछ बिली के कमरे में था। फाइनली एपिसोड 9 में क्लियर होता है कि विचेस रोड बिली के दिमाग से बनाया गया था, इसलिए ये सारी चीजें बिली के कमरे में दिखती है। यानी जैसे वांडा ने वेस्टव्यू में अपना हेक्स बनाया था, वैसे ही बिली ने विचेस रोड बनाया है, और मेरा प्रेडिक्शन हुआ सच।
ये सब कुछ दिमाग का खेल था बिली का, अनइंटेंशनली ऑफकोर्स। पर असली विचेस रोड कहाँ पर है इसका भी रिवील होता है एक फ्लैशबैक सीन के साथ, जहाँ दिखता है अगाथा का बेटा निकोलस क्रैच, जिसे एक्चुअली पैदा होना ही नहीं था जब उसका जन्म हुआ था, तभी डेथ उसे ले जाने वाली थी अपने साथ। पर अगाथा ने लेडी डेथ से टाइम मांगा। एमसीयू का पहला डिलीवरी सीन दिखता है सीरीज में। फाइनली कुछ सालों बाद डेथ सोते हुए अगाथा को बुलाए बिना ले जाती है निकोलस को, और ऐसे मौत हो जाती है निकी बी की। ये बेल जो निकोलस ने एपिसोड में एक विच को लुभाने के लिए चोरी किया था, वही बेल अगाथा एपिसोड 2 के इस सीन में यूज करती है। अब आते हैं विचेस रोड के रास पर। एक्चुअली विचेस रोड नाम की कोई जगह है ही नहीं एमसीयू की दुनिया में। विचेस रोड का गाना एक्चुअली अगाथा और निकोलस ने बनाया था, जो कई साल तक लेजेंड बना, जहां सारे विचेस सोचते थे कि ऐसी कोई जगह है जहां उनकी हर इच्छा पूरी होगी। निकोलस एक अच्छा गायक था, जिसका नॉड अगाथा ने एपिसोड 1 में दिया था, जहां वो वांडा के स्पेल के अंदर थी। उस वक्त निकोलस के कमरे में लिखा था निकोलस क्रैच बेस्ट वोकल्स चिल्ड्रंस कॉन्सर्ट कॉयर, जो इसी बात पर नॉट था। इस फेक गाने का इस्तेमाल करके अगाथा विचेस के पावर्स लेती थी। 1 में भी वो वही करने वाली थी, और बिली ने अनइंटेंशनली दिमाग का खेल रचा और बनाया विचेस रोड। यही चीज लेडी डेथ बोलने वाली थी जब अगाथा ने उसे रोका। Doesn't exist, बोलने वाली थी डेथ। जब बिली को रियलाइज होता है कि विचेस रोड उसी के दिमाग की उपज है, वो पीछे मुड़ता है और देखता है अगाथा को, जो अब भूत बन गई है। ये पूरा भूत वाला लुक हैरी पॉटर के फिल्मों की याद दिलाता है, जहां ऐसे स्पिरिट्स दिखते थे। वैसे ये भूत वाला ट्रैक दिया गया है वांडा के विचेस रोड कॉमिक बुक ग्रंथ से, जिसे लिखा था जेम्स रॉबिन्सन ने। अगाथा के भूत ने वांडा की मदद की थी जब विचेस की दुनिया में एक अजीब सी बीमारी शुरू हो गई थी, और अगाथा का पूरा लुक सफेद बाल पर्पल ओवरकोट कॉमिक बुक से अगाथा के लुक से ही लिया गया है। खैर, बिली पहुंचता है अगाथा के अड्डे में, जहां उसने उस दरवाजे को बनाया था। अगाथा को दस डायमेंशन में बैनिश करने वाला था बिली, तभी उसने माना कि वो उसे फेस नहीं करना चाहती, और मैं हो गया था एक्साइटेड कि मेफिस्टो की बात कर रही है वो। अफसोस, वो बात नहीं कर रही थी मेफिस्टो की, वो बात कर रही थी निकोलस क्रैच की, जो अभी भी दस डायमेंशन में है। इस सीन से क्लियर होता है तो मेफिस्टो यहाँ नहीं आ रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, आयरन हार्ट में आ रहा है पक्का, मेफिस्टो इज कमिंग, आई स्टिल बिली। जैसे वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक सर्कल बनाकर ध्यान पर बैठी थी, वैसे ही बिली एक सर्कल बनाकर ध्यान पर बैठता है, और वो कर देता है परमानेंटली इस फेक विचेस रोड के दरवाजे को बंद। और वहां लिखा आता है उन लोगों का नाम जो उसके वजह से मरे थे, लिलिया कॉल्ड्रो, एलिस वू और शैरन डेविस। फाइनली उसका नाम सही लिखा गया है, समझ आ गया था। अगाथा ने जैसे कॉमिक्स में भूत बनके वांडा का साथ दिया था, यहाँ वो बिली का साथ देके टॉमी को ढूंढने के लिए अब दोनों एक दूसरे के ड्वेल कवन बनकर टॉमी की खोज करेंगे, जो अटकलों के मुताबिक होगा एक और सीरीज यानी बिली ऑल अलोंग पार्ट 2 में। पर बिली की कवन की एक मेंबर उसने बचा लिया था, वो थी जेनिफर केल, जो बिल्कुल वांडा विजन सीरीज में स्कारलेट विच की तरह उड़कर वेस्टव्यू से निकल जाती है, जो उसके पास अपने पावर्स आ गए हैं। बेहतरीन सीजन था ये, अनएक्सपेक्टेड था, काफी लोग बोल रहे थे क्या जरूरत थी इस सीरीज की, पर जेक शेफर का ब्रिलियंस इस विलेनस किरदार के सीरीज को एक मजेदार वॉच बनाती है। कैथरीन हान का परफॉर्मेंस ब्रिलियंट है, और जो लोग एक एक्साइटिंग एडिशन है एमसीयू में। अगाथा ऑल अलोंग को मैं देना चाहूंगा 3.5 out of 5। स्टार्ट यानी कि एपिसोड 1-4 अच्छा था, 5 में एक डिप आया, पर 6 से जो गाड़ी पकड़ी है सीरीज ने, एक के बाद एक ब्रिलियंट एपिसोड मिले हमें देखने के लिए। ऐसा ही होना चाहिए सीरीज फॉर्मेट एमसीयू का, जहां कुछ अलग देखने को मिले। सुपर हीरो फॉर्मेट मूवीज के लिए छोड़ दो, इट्स जस्ट ब्रिलियंट। अगाथा अलोंग में सब दिमाग का खेल था, एक मिस्ट्री जो धीरे धीरे खुलती है और क्या मजा देती है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिसेंट बड़ी फिल्म सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का रिव्यू वीडियो आखिर में है, चेक आउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। जस्ट इन अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNerdyDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।